28 से चल रहा है, वो चलता रहेगा जब तक मंदिर का निर्माण नहीं होगा। हमें इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। लीला करण जी, आप भी पार्लियामेंट जो है कानून बनाने की समर्थ रखती है। ये आप गलत कहते हैं कि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कोर्ट में मुकदमे चलते रहते हैं, कोर्ट में टाइटल का सूट है। आज लैंड आप अक्वायर कर लीजिए, कंपनसेशन वहां जमा करो। एक चैनल में कहते रहे, मैं एज ए वकील कहता हूँ कि कोर्ट में टाइटल सूट है कि इसका मालक कौन है। इसका मालक दूसरा समाज है, जहाँ हम समाज है, तो गवर्नमेंट उसको अक्वायर करके मंदिर का निर्माण कर सके, क्योंकि ये पब्लिक इशू पब्लिक पर्पज है। पब्लिक पर्पज है, जो यहाँ 100 करोड़ लोगों की आस्था है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था है, उसको अक्वायर करने में जो कंपनसेशन होगी वो वहाँ पर डिपॉजिट कर दी जाए, जो मालिक होगा वो ले जाए। नहीं लाया, लेकिन नहीं लाने का वजह यह है कि भाई कोर्ट में जो चल रहा था और उम्मीद बंदी थी कि ये इसी साल फैसला हो जाएगा, सितंबर में जब सारी दरख्वास्तें खारिज हो गई तो ये फैसला जो है अक्टूबर में सुनाई शुरू होनी थी, जनवरी तक वो फैसला हो जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार, हम जो संतों का फैसला होगा, जो संत समाज बैठेगा, जो फैसला करेगा, हम उसके मुताबिक काम करेंगे। देखिए बजरंग दल का अगर तो कानून अपनी कार्रवाई वहां करेगा, अगर बजरंग दल के उन्होंने किया है तो वो करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो चौकसी की किसने। वहां पर इतने लोग, वहां 4 लाख के करीब वहां मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठे हुए थे, वो चौकसी किसने की? अगर की है तो उनका हाथ कितना हाथ हो सकता है, ये इंक्वायरी होगी, उसमें देखा जाए। लेकिन आपको लगता है कि मेन मकसद आज का मेन मकसद है कि आपके जरिए मैं समाज को आह्वान करता हूँ, ये सूचित करता हूँ कि अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, अपना राम मंदिर के निर्माण के लिए, अपना सहयोग देने के लिए 16 दिसंबर 11 बजे परेड ग्राउंड में पहुँचे और उसमें वो धर्म सभा का जो आयोजन हमने किया है उसमें से ये एक मैसेज आए कि जम्मू भी सारे देश के साथ खड़ा है।